ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा नवमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ एक लोकतंत्र क्यों और कैसे चैप्टर चार। इससे पहले हमने लोकतंत्र की विशेषताओं का एक सीमित और विवरणात्मक हमने अध्ययन किया, जिसमें लोकतंत्र एक शासन के स्वरूप के तौर पर हमने इसको समझा और इन विशेषताओं के या गुणों की पहचान से ही हमें ये पता चलता है कि लोकतंत्र की ज़रूरत के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होने आवश्यक है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, विस्तार रूप में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का ये जो सामान्य रूप प्रचलित है, जिसको प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें बहुमत के आधार पर बनी हुई सरकार में प्रतिनिधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निर्णयों का क्रियान्वयन होता है, ये आजकल विश्व के बहुत सारे देशों में उपलब्ध है। अब जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। आमतौर पर ये धारणा है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी अभिव्यक्ति और सभी के द्वारा शासन चलाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। शासन तो बहुमत का शासन, जिसमें बहुमत के शासन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। फिर ये बात हमारे मन में उठती है कि इस लोकतंत्र के बहुमत वाले शासन में सारे निर्णय हैं वो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्यों लिए जाते हैं। तो इसमें पहली बात आती है कि जितने भी प्रकार के सामूहिक फैसले लिया जाता है, इसमें सामूहिक फैसला संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ में बिठा करके इस प्रकार का सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता है। दूसरा आता है कि प्रत्येक नागरिक के पास में भी समय, इच्छा या योग्यता और कौशल का अभाव होता है। यदि हम कर दें कि ये संभव हो, तब भी हरेक व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता नहीं होती है, इसलिए सब लोगों को शासन के इस रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें हमें लोकतंत्र की एक स्पष्ट लेकिन एक न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है कि हमारे लिए प्रतिनिधियात्मक शासन के रूप में ही लोकतंत्र क्यों जरूरी है। इसके माध्यम से हमें ये भी पता चल सकता है कि एक लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या अंतर है, वह भी हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना आवश्यक है। आइए लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से हटकर के अलग संगठनों के लिए भी करता है। आइए कौन कौन से संगठन, परिवार से लें तो हम लोगों का परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार है। जब भी कई प्रकार के परिवार में फैसले करने होते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों को साथ में बिठा करके आपसी सहमति से फैसला लिया जाता है।
फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी का। ये कथन ये कहता है कि हमारा जो परिवार है वो भी लोकतंत्र का एक प्रकार है। दूसरा, शिक्षक से भी लोकतंत्र के अर्थ के रूप में प्रयोग किया है। इसका एक कथन है कि मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करता हूँ जो लोकतांत्रिक मानसिकता वाला हो। तीसरा कथन एक नेते से हैं जिसमें एक नेता और उसके परिवार के लोग ही इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। ये क्या लोकतंत्र की बात है? हमने निष्कर्ष रूप से ये लोकतंत्र के अन्य अर्थों में प्रयोग के रूप में तीन प्रमुख रूप देखे। तो लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को प्रकट करता है। लोकतांत्रिक फैसले से आज से इस प्रकार के फैसले से है जिसमें उस विचार या फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और सबकी सहमति अर्थात स्वीकृति से फैसला लेना, यानी कि जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही योगदान या महत्व होता है जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली का। ये बात सरकार या परिवार पर भी ऐसे ही लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार से लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। उन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। आइए वो आदर्श कौन कौन से हैं। तो एक आदर्श ये कहता है कि जिसमें सब प्रकार के व्यक्ति बड़े आराम से रह पाएं, वास्तविक लोकतंत्र वही कहलाया जाएगा जहां किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा वह है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान रूप से उपलब्धता हो, बुनियादी शिक्षा हो, बुनियादी संसाधन हो और पक्की निष्ठा होनी चाहिए, तभी कहेंगे। अगर हम इन आदर्शों पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को जांचें तो हमें लगेगा कि दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को आखिर में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो लोकतंत्र को महत्व देने के क्या कारण है? तो पहला कारण ये आता है कि इसके माध्यम से हम मौजूदा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं उनको जांचने में, उनमें कौन कौन सी कमजोरियां हैं उनकी पहचान करने में हमको इसी से ही मदद मिलेगी। दूसरा है, इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी हमको इसी के माध्यम से ही समझने में सहयोग मिलेगा। लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं के रूप में प्रासंगिक है। हमने हर पहलू के रूप में देखा, परिवार के रूप में देखा, नेता के रूप में देखा, शिक्षक के रूप में देखा, और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण करता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप हमको देखने में आता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन चलाया जाता है। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तो उसके लिए हम लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। फिर भी बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा, सबकी आदर सहमति नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से लिया जा सकता है। लेकिन छोटा रूप का शासन है तो वहाँ सबकी साझेदारी की जा सकती है। फिर भी तो सभी लोग साथ बैठ कर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी प्रकार काम करना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक फैसला लेने के कुछ और तरीके हो सकते हैं जो हमारी समझ में आ सकते हैं।
इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र है ही नहीं। हमने जो पहले की विचारधाराएं देखी, लोकतंत्र की जिन चर्चाओं की विशेषताओं की जो यहाँ आई है वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। केवल इतने शर्तों से ही लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो सकता, पर इससे ये एक आदर्श लोकतंत्र भी नहीं बनेगा। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की जरूरत होती। एक नागरिक के नाते हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी, कि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर है। नागरिक किस प्रकार का कार्य करते हैं यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी जो अन्य व्यवस्था है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, वह नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। वो प्रमुख और मुखिया होता है, वही सब प्रकार के फैसले करता है। और वास्तव में अधिकांश जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वही यही चाहती है कि लोग राजनीति में हिस्सा ही नहीं लें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए केवल सरकार ही नहीं सभी नागरिकों की सक्रियता और सजगता चाहिए। इसलिए लोकतंत्र के पढ़ाई के बारे हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आइए लोकतंत्र के इस वृत्र अर्थ और इसके रूप के रूप बाद में हम अंत में आते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? दूसरा है, बहुमत के शासन में प्रतिनिधियों के द्वारा ही निर्णय लेना क्यों जरूरी है? तीसरा और अंतिम है, लोकतांत्रिक फैसला से हम क्या समझते हैं? धन्यवाद।